हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसबीएसई सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। टू आइसोलेटेड मेटलिक स्पीयर्स S1 S2 रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर चार्ज सच दैट बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर। दे आर प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड कनेक्टेड बाई अ थिन वायर। कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन स्पीयर S1। ठीक है, सॉल्यूशन बिफोर कनेक्टिंग द वायर कनेक्ट करने से पहले एक स्पीयर हमारे पास ये है, इसकी रेडियस R1 1 सेंटीमीटर है और एक दूर रखा है काफी स्पीयर और इसका रेडियस R2 है 3 सेंटीमीटर। इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो मान लो इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर है और ये भी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर या यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है, सिग्मा कूलाम चार्ज है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो चार्ज है वो सिग्मा है। तो बताओ इसका एरिया कितना होगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो चार्ज है आपका वो सिग्मा है, इसका एरिया कितना है सरफेस एरिया, तो 4πR1 का स्क्वायर है। तो इसने एरिया पे कितना चार्ज होगा, तो लिखेंगे सिग्मा इंटू 4πR1 का स्क्वायर, ऐसे समझ लो। या फिर आपने पढ़ा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ऐसे। तो सिग्मा चार्ज इस पर लेट किया आपने Q1 और एरिया इसका 4πR1 का स्क्वायर, इसीलिए जो चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πR1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इस पर Q2 लिख लो सिग्मा इंटू 4πR2 का स्क्वायर, इतना चार्ज है। अब ये बताओ पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल इसके सरफेस पर V1 होगा KQ1/R1 और इसके सरफेस पर पोटेंशियल V2 KQ2/R2। अगर यहाँ पे Q1 की वैल्यू पुट कर दें तो KQ1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 4πR1 का स्क्वायर / R1। स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज अगर Q1 है तो सरफेस पर पोटेंशियल इतना होगा, K की वैल्यू 1/4πε0 होगी, R1 से R1 कट गए। ऐसे ही V2 की वैल्यू लिखें तो KQ2 की वैल्यू लिखें सिग्मा इंटू 4πR2 का स्क्वायर / R2। इसे ही कैंसिल, V2 ज़्यादा या V1 ज़्यादा सोचो। तो देखो इसमें K σ4π, इसमें भी K σ4π, R2 ज़्यादा है R1 से, इसीलिए V2 इज ग्रेटर देन V1 इनिशियली, ये पता कर लिया हमने। अब आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, अगर इन दोनों को हम किसी वायर से कनेक्ट करते हैं थिन वायर से, है ना, ये कनेक्ट करने से पहले था, अभी कनेक्ट नहीं किया, देखो क्यू ओपन है। अब इसको किसी वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि कंडक्टर से पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों कंडक्टर के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। जैसे पोटेंशियल सेम होगा चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, है ना, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है ना। तो इस पर Q1 चार्ज था, इस पर Q2 चार्ज था, तो मान लो इसमें से क्यू चार्ज फ्लो करा, क्यू चार्ज के फ्लो करने से इस पर चार्ज हो जाएगा Q1+KQ और इस पर चार्ज हो जाएगा Q2-KQ और जैसे ही पोटेंशियल सेम हुआ चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो गया। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जैसे ही बराबर हुआ चार्ज का फ्लो होना स्टॉप हो गया। इससे मैं ये चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। स्पीयर S1 है, ये स्पीयर S2 है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अब टोटल चार्ज कितना, न्यू चार्ज कितना है इस पर Q1+KQ, तो हमें क्यू निकाल लेना है, क्यू तो हमारे पास था ही पहले से। कैसे निकालें, पोटेंशियल सेम हो गया मान लो अब और चार्ज का फ्लो होना स्टॉप बंद हो गया, तो इस पर पोटेंशियल लिखें इसका, इसकी रेडियस कितनी है R1, इसकी रेडियस है R2, तो इसका पोटेंशियल लिख लो K
कितना क्यू वन प्लस के क्यू ओवर कितना आर वन इज इक्वल टू के, इस पर कितना चार्ज है देखो, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना पोटेंशियल का, ये रहा। अब इस पर कितना चार्ज है क्यू टू माइनस के क्यू, रेडियस कितनी है आर टू, के से तो के कट गया। एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे लिखो, क्यू वन अपॉन आर वन प्लस क्यू अपॉन आर वन इज इक्वल टू क्यू टू अपॉन आर टू माइनस क्यू ओवर आर टू। कैसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लो, इजी है अब तो। अब आर हमें क्यू निकालना है तो क्यू को एक साइड कर लो, तो इस वाले को मैं इधर लेके आया हूँ, तो क्यू अपॉन आर वन प्लस हो जाएगा क्यू ओवर आर टू, और इस वाले टर्म को मैं इधर लेके आया हूँ तो क्यू टू अपॉन आर टू माइनस क्यू वन अपॉन आर वन, ठीक है। अब यहाँ से तो क्यू कॉमन आ गया बेटा, इसे आर वन आर टू एलसीएम ले सकते हो यहाँ से। अगर मैं आर वन आर टू एलसीएम ले लूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कितना आर टू प्लस आर वन, और ये क्यू टू की वैल्यू पुट कर देता हूँ, चलो सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्यू निकाल लेता हूँ। क्यू टू की वैल्यू कितनी है इतना देखो, क्यू टू की वैल्यू है आपकी ये रही, ये क्यू टू की वैल्यू है ये रही, तो सिग्मा फोर पाई आर टू का स्क्वायर और नीचे आर टू है माइनस, इसकी वैल्यू क्यू वन की वैल्यू कितनी है देखो, ये रही आपकी क्यू वन की वैल्यू ये रही है ना, और ये वाली वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ, सिग्मा फोर पाई आर वन का स्क्वायर अपॉन आपका आर वन, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। चलो वैल्यू पुट कर दो, क्यू निकालना है आर टू के लिए, बताओ बेटा आर टू है थ्री और ये है वन, तो फोर सेंटीमीटर, तो फोर इंटू टेन की पावर माइनस के टू, थ्री प्लस वन फोर, और सेंटीमीटर में था इसलिए मीटर में चेंज कर लिया, दोनों का मल्टीप्लाई है तो वन इंटू टेन की पावर माइनस के टू और थ्री इंटू टेन की पावर माइनस के टू। चलिए सिग्मा यहाँ से देखो, सिग्मा इंटू फोर पाई कॉमन है यहाँ से, है ना, और ये आर टू की, ये आर टू बचा, ये आर वन, तो आर टू की वैल्यू है थ्री और आर टू माइनस आर वन, तो आर टू के लिए थ्री और इसकी वैल्यू वन, तो टू बचेगा, टू इंटू टेन की पावर माइनस के टू, ठीक है। अब देखो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पे क्यू और इस फोर से ये फोर कट गया अपॉन थ्री इंटू टेन की पावर माइनस के टू इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ये रही टू अपॉन पाई, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, माइनस के नाइन और ये पाई है और ये टू इंटू टेन की पावर माइनस के टू है, पाई से पाई कट गया है ना बस, तो क्यू निकले आया बेटा, चार हो गया और चार और तीन बारह हो गया, ट्वेल्व इंटू टेन की पावर माइनस के थर्टीन, क्योंकि टेन पास के टू ये रहा और टेन पास के टू फोर और नाइन थर्टीन, तो ऐसे लिख सकते हैं वन पॉइंट टू इंटू टेन की पावर माइनस के ट्वेल्व, लिख लो पॉइंट लगा दिया बेटा मैंने, इसे इतना कूलाम चार्ज ट्रांसफर हुआ हुआ बेटा है ना, किधर से किधर हुआ होगा, स्पीयर एस टू से स्पीयर एस वन में इधर गया है देखो, ये हाई पोटेंशियल पे था, ये लो पोटेंशियल पे था है ना, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, तो इसे आप 1.2 पी को कूलाम भी कह सकते हो, पर ये हमसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं पूछा, अगर बाई चांस ट्रांसफर ऑफ चार्ज पूछा होता कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे, हमसे न्यू चार्ज पूछ रहा है तो न्यू चार्ज निकाल लो, न्यू चार्ज ऑन स्पीयर एस वन कितना है बेटा क्यू वन प्लस क्यू, इतना ही तो देखो क्यू वन प्लस के क्यू, तो क्यू वन कितना है, क्यू वन की वैल्यू है कुछ नहीं, इजी है कैलकुलेशन, सिग्मा फोर पाई आर वन का स्क्वायर प्लस क्यू, तो सिग्मा की वैल्यू है टू अपॉन पाई टेन की पावर माइनस के नाइन, फोर पाई आर वन की वैल्यू है वन सेंटीमीटर, उसे चेंज करेंगे तो वन इंटू टेन की पावर माइनस के टू, उसका स्क्वायर करेंगे तो फोर, प्लस क्यू मैंने निकाल रखा है 1.2 पी को कूलाम, अभी इसको भी पी को कूलाम में बदल लेंगे है ना, देखते जाओ पाई से पाई कट गया है ना, चाहो तो अभी इसे 10 की पावर माइनस के 12 लिख दो कूलाम में, तो देखो चार दो आठ और ये 10 की पावर माइनस के थ्री ट्वेल्व थर्टीन प्लस 1.2 10 की पावर माइनस के 12, तो 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 और 1.2 10 की पावर माइनस के 12 है ना, तो अब देखो आप चेक करो तो ये हो गया 2.0 10 की पावर माइनस के 12 इतने कूलाम, तो पी को कूलाम आंसर, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।